गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो एज अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी द डिफरेंस बिटवीन चेसी एंड बॉडी. इज इट राइट? हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने चेसी और बॉडी में डिफरेंस पढ़ा था. ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? एज वी प्रीवियसली डिस्कस्ड, फाइन, तो हम क्या पढ़ेंगे? सम कंपोनेंट्स ऑफ चेसी, सम मेन कंपोनेंट ऑफ चेसी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, तो फंक्शन पढ़ेंगे उनके, कंपोनेंट्स के अरेंजमेंट क्या है, फाइन, कहाँ लगा है, कहाँ सिचुएटेड है वो, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या है और किस जगह पे वो लगा हुआ है, फाइन. तो इसमें ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पहले बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेम, ठीक है, फिर पढ़ेंगे पावर यूनिट, फिर इसमें पढ़ेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम, फिर एक्सल्स, फिर व्हील्स एंड टायर्स, सस्पेंशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, स्टेयरिंग सिस्टम एंड ब्रेकिंग सिस्टम, फाइन, ये पढ़ेंगे हम. ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेम से. ठीक है, एज इन प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था, ठीक है, चेसी है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेम है, फाइन, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर और फ्रेम, यू कैन से दैट. ठीक है, ऐसे आप सामने देख भी रहा है फिगर में, ठीक है, ये फ्रेम लिखा हुआ है. ठीक है बेटा, तो फ्रेम क्या है? फ्रेम इज द फाउंडेशन ऑफ एन ऑटोमोबाइल. ठीक है, ये फाउंडेशन है ऑटोमोबाइल की. आगे क्या है? इट इज़ सपोर्टेड ऑन स्प्रिंग्स एंड सस्पेंशन सिस्टम. ठीक है, कहाँ सपोर्ट करता है ये? ठीक है, ये कहाँ होता है? स्प्रिंग्स और सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर. ठीक है, विच आर फर्दर सपोर्टेड ऑन एक्सल्स. ठीक है बेटा, ऐसे दिख ही रहा है आपको, फ्रेम ऊपर है, फाइन, फ्रेम के नीचे क्या है? स्प्रिंग्स, सस्पेंशन सिस्टम और एक्सल्स. ठीक है, और एक्सल्स कहाँ है? एक्सल्स आर सपोर्टेड ऑन व्हील्स. ठीक है, व्हील्स के सेंटर में, दोनों व्हील्स के सेंटर में, फ्रंट व्हील्स के सेंटर में और रियर व्हील्स के सेंटर में एक्सल्स हैं. ठीक है, और एक्सल्स के ऊपर फ्रेम है. ठीक है, एंड ऑल अदर असेंबलीज आर अटैच टू फ्रेम. ठीक है, सभी असेंबलीज जितनी भी हैं हम पढ़ रहे हैं वो फ्रेम से अटैच्ड हैं. ठीक है बेटा, और जो फ्रेम बना है वो किस चीज़ का है बेटा? इट इज़ मेड ऑफ स्टील सेक्शन. ठीक है बेटा, किससे बना फ्रेम? स्टील सेक्शन से. ठीक है, अब आपको पता है स्टील बहुत हार्ड और टफ मटेरियल है. ठीक है, हमें ज़रूरी चाहिए वो हार्ड और टफ. क्यों? इसके ऊपर की, बिकॉज कई कंपोनेंट्स इसके ऊपर माउंट होंगे फ्रेम के ऊपर. ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है. ठीक है बेटा, द फ्रेम शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विदस्टैंड द व्हीकल लोड एंड एक्सीडेंटल इंपैक्ट्स. ठीक है, आपको पता है कि जो फ्रेम है वो आपके व्हीकल्स का लोड विदस्टैंड करता है. ठीक है, और जब भी अगर बाई चांस एक्सीडेंट होता है तो तब भी सबसे पहले ये सपोर्ट देता है पूरा बॉडी, और पूरी बॉडी को ये सपोर्ट देता है, बॉडी को भी और सभी कंपोनेंट्स को भी. ठीक है, और मेनली पैसेंजर्स को भी बचाता है. ठीक है, तो फ्रेम पे बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं, फ्रेम के ऊपर डिपेंड करती हैं सभी चीज़ें, सभी कंपोनेंट्स फ्रेम्स के ऊपर, ठीक है, माउंट होते हैं. आल्सो इट शुड बी लाइट इन वेट एंड शुड हैव इनफ स्पेस फॉर फिटिंग एंड वर्किंग ऑफ वेरियस यूनिट्स. ठीक है, लाइट वेट होना चाहिए तभी हमने स्टील यूज़ किया है. ठीक है, नहीं तो हम और मटेरियल कास्ट एंड भी यूज़ करते थे, कर सकते थे, और या इससे भी ज़्यादा सॉलिड मटेरियल यूज़ कर सकते थे. ठीक है, बट हमें लाइट वेट भी चाहिए, क्योंकि अगर इसका वेट इंक्रीज़ करेंगे तो वहीं आपकी एवरेज डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है बेटा, क्लियर है? तो आगे फंक्शंस ऑफ फ्रेम, मेन, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें क्या निकलता है? ठीक है, मेन फंक्शन ऑफ फ्रेम, ये आपको पता होना चाहिए मेन फंक्शन फ्रेम के क्या हैं. ठीक है, सो ये पॉइंट्स बना के लिख सकते हो आप एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट विदस्टैंड द व्हीकल लोड. ठीक है बेटा, पूरे व्हीकल का लोड अपने ऊपर लेता है. इट विदस्टैंड द स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सीलरेशन, ब्रेकिंग एंड रोड शॉक्स. ठीक है बेटा, और क्या करता है ये? विदस्टैंड करता है क्या? कौन से लोड लेता है या स्ट्रेस लेता है? जब एक्सीलरेट करते हो गाड़ी को तभी ये जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको अपने ऊपर लेता है. जब ब्रेक लगाते हो, ठीक है, जब व्हीकल की मूवमेंट होती है, ठीक है, तो वो स्ट्रेस के रूप में ये लेता है अपने ऊपर. ठीक है, रोड की शॉक्स होते हैं जो,
तब जैसे सपोज सस्पेंशन आपका काम कर रहा है, ठीक है, सस्पेंशन आपका शॉक एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र करता है किसको, फ्रेम को, ठीक है, थोड़ा लोड आपका फ्रेम के ऊपर भी जाता है, ठीक है बेटा। इट प्रोवाइड बेस फॉर माउंटिंग वेरियस असेंबलीज ऑफ ऑटोमोबाइल, ठीक है, ये एक बेस है, ठीक है, ये बेस है जिसके ऊपर सभी माउंटिंग्स लगती हैं, असेंबलीज लगती हैं ऑटोमोबाइल की, जो हम पढ़ रहे हैं आगे वो सभी असेंबलीज इसके ऊपर लगती हैं, ठीक है। एंड इट विदस्टैंड द एक्सीडेंटल इम्पैक्ट्स, ठीक है, कोई भी एक्सीडेंटल इम्पैक्ट होता है तो ये इम्पैक्ट को अपने ऊपर लेता है, ठीक है, कौन लेता है, फ्रेम, फ्रेम की बात कर रहे थे हम सभी ये, ठीक है, ये सभी फ्रेम्स के पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट जो आपको आने चाहिए, क्लियर है बेटा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया फ्रेम, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट हो गया आपका फ्रेम। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम पढ़ रहे हैं पावर यूनिट, ठीक है, दिख रहा है आपको ऊपर पावर यूनिट, पावर यूनिट में क्या आएगा आपका, इंजन, ठीक है बेटा, सी दिस इज द इमेज ऑफ इंजन, विच इंजन बेटा, ये है आपके सामने आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है बेटा। तो करता क्या है पावर यूनिट, पावर यूनिट क्या करता है, दिस यूनिट प्रोवाइड्स पावर टू द व्हीकल टू मूव इट, ठीक है, व्हीकल को पावर देता है उसको मूव कराने के लिए, ठीक है, ये जो कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं पावर यूनिट, जिसको बोलते हैं हम इंजन, ठीक है। इंजन क्या करता है, व्हीकल को मूव कराने के लिए पावर जनरेट करता है, ठीक है। और ये कौन सा इंजन होता है, इट जनरली कंसिस्ट ऑफ एन आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है, हम पढ़ेंगे बेटा आगे भी पढ़ेंगे, ये तो अभी हम फिलहाल बेसिक्स पढ़ रहे हैं सभी चीज़ों का, सभी कंपोनेंट्स का बेसिक पढ़ रहे हैं, इसको इलैबोरेट हम अच्छे से करेंगे सभी को कंपोनेंट्स को, ठीक है, पर ये फिलहाल आपको बेसिक्स पता होना चाहिए पहले, ठीक है बेटा। ये है आईसी इंजन, ठीक है, आईसी इंजन, आप आईसी इंजन मीन्स इंटरनल कंबशन, जो हमारा कंबशन होता है वो इंटरनली होता है, होता, ठीक है बेटा। एक होता है एक्सटर्नल कंबशन ईसी इंजन, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जब हम इंजन की, तब हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, अभी फिलहाल हम बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आईसी इंजन है और किससे चलता है, कौन कौन से फ्यूल से चलता है बेटा, सम फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल और गैस इज यूज्ड इन इंजन टू प्रोड्यूस मैकेनिकल पावर विच इज़ ट्रांसमिटेड टू द ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है बेटा। तो फ्यूल यूज़ करते हैं पेट्रोल, डीजल या फिर गैस, ठीक है, जो ये इंजन यूज़ करता है, क्यों यूज़ करता है, मैकेनिकल पावर जनरेट करने के लिए, ठीक है। और जो मैकेनिकल पावर है उसके बाद क्या होगा, वो ट्रांसमिट करेगा, ये इंजन करेगा किसको, ट्रांसमिशन सिस्टम को, ठीक है, जो हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब एक और बात, देर आर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ फिटिंग्स द पावर यूनिट, ठीक है बेटा, ये पावर यूनिट है जिसको हम इंजन बोल रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा यूनिट है इसको हम व्हीकल में कई जगह प्लेस करते हैं, ठीक है बेटा। जैसे गाड़ी है उसके हम इसको, इस इंजन को आगे भी लगाते हैं, फ्रंट में भी लगाते हैं, रियर में भी लगाते हैं और सेंटर में भी लगाते हैं, पर डिपेंड करता है, ठीक है। इट कैन बी पुट ऑन फ्रंट और रियर ऑफ द व्हीकल, ठीक है, सेंटर में भी करते हैं, ठीक है, पर वो इन केस ऑफ वैन, ठीक है, वैन्स में हम कभी कभी इसको, इंजन्स को कई वैन्स में सेंटर में मिडिल पोर्शन में लगाते हैं, क्यों, स्पेस बचाने के लिए, ठीक है। तो हमारी पर जो हमारी इंडियन कार्स हैं बेटा, बेसिकली इंडियंस कार हैं, वहाँ ये इंजन फ्रंट में होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए या पता होगा भी, तो मैक्सिमम ये इंडियन जो कार हैं वो फ्रंट में इंजन लगा होता है, जो यूरोपियंस कार हैं वहाँ रियर में इंजन यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे द फंक्शन ऑफ पावर यूनिट इज़ टू गिव पावर टू द व्हीकल अकॉर्डिंग टू लोड ऑन इट, ठीक है बेटा, इसका काम है पावर जनरेट करना और आगे ट्रांसफ़र करना अकॉर्डिंग टू लोड, लोड के हिसाब से, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा पावर यूनिट, अब हम पढ़ेंगे आगे ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है बेटा, इंजन का काम हो गया, अब ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। अब इसमें भी इंजन दिखाया हुआ है हमने, ठीक है बेटा। तो अब ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या क्या आएगा बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ क्लच, ठीक है, आपको दिख रहा है येलो में वो है क्लच, फिर है रेड में आपका क्या है, वो जो ट्रांसमिशन लिखा है वो है गेयरबॉक्स, जो रेड कलर में है वो है गेयरबॉक्स, ठीक है। अब जो पर्पल कलर में दो पॉइंट है वो है हमारे यूनिवर्सल जॉइंट बेटा, ठीक है। अब जो ड्राइव शाफ्ट दिख रही है आपको, ठीक है, ग्रीन कलर में ड्राइव शाफ्ट दिख रही है, उसको बोलते हैं हम प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है बेटा। उसके बाद जो पर्पल सेंटर में दिख रहा है आपको, ठीक है, रियर व्हील के सेंटर में, वो है डिफरेंशियल,
ठीक है बेटा। तो ये है हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम के पार्ट हैं सभी। वैसे तो ट्रांसमिशन सिस्टम हम गेयर बॉक्स को बोल देते हैं क्योंकि वो ट्रांसमिट करता है मेनली, बट इसमें सभी आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। क्लच से लेके डिफरेंशियल तक सभी कंपोनेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो जैसे हम बात कर रहे थे इंजन, इंजन फ्लाईव्हील क्लच, ठीक है। फ्लाईव्हील इंजन का ही पार्ट है बेटा, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। इंजन के साथ ही फ्लाईव्हील लगाता है, फ्लाईव्हील के आगे क्लच लगाता है, फिर गियरबॉक्स, फिर यूनिवर्सल जॉइंट, फिर प्रोपेलर शाफ्ट, फिर यूनिवर्सल जॉइंट, फिर डिफरेंशियल, ठीक है, फिर रियर एक्सल, फिर व्हील्स, ठीक है, जैसे आपको पता ही है, ठीक है। आगे पता है सिंपल, जब क्लच इज कनेक्टेड टू द इंजन, क्लच इंजन के साथ कनेक्ट है, ठीक है। आगे द शाफ्ट कैरिंग क्लच इज कनेक्टेड टू द गियरबॉक्स, जो शाफ्ट है क्लच के साथ वो गियरबॉक्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। आगे जो गियरबॉक्स आउटपुट शाफ्ट है वो असेंबल्ड किसके साथ है, प्रोपेलर शाफ्ट के साथ विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल जॉइंट, ठीक है बेटा। आगे जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो किसके साथ कनेक्टेड है, एंड में डिफरेंशियल के साथ, ठीक है। अब इन सभी कंपोनेंट्स के फंक्शन क्या है हम एक एक लाइन में पढ़ लेते हैं। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है, आप लिख सकते हो जो ये वेरियस कंपोनेंट है इस सिस्टम के वो फॉलोइंग फंक्शंस उसके हैं। क्या फंक्शन है, क्लच क्या करता है, द क्लच कनेक्ट्स एंड डिसकनेक्ट्स द इंजन पावर टू द व्हील्स, ठीक है। क्लच का काम क्या है, इंजन की पावर को कब व्हील्स तक पहुँचाना है और नहीं पहुँचाना, कब कनेक्ट करना है और डिसकनेक्ट करना है, ये फंक्शन है क्लच का, ठीक है बेटा। आगे गियरबॉक्स, गियरबॉक्स क्या करता था, गियरबॉक्स इज यूज टू वेरी द स्पीड एंड टॉर्क ऑफ द व्हीकल, ठीक है। गियरबॉक्स क्या करता है, स्पीड की वेरिएशंस को क्रिएट करता है बेटा, ठीक है। कितनी स्पीड कब चाहिए, कितनी टॉर्क कब चाहिए, ये काम किसका है, गियरबॉक्स का। कितने कितने लोड पे कितनी स्पीड या कितनी टॉर्क चाहिए, ये गियरबॉक्स का काम है, ठीक है बेटा। द गियरबॉक्स इज यूज टू वेरी द स्पीड एंड टॉर्क ऑफ व्हीकल, ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। आगे है द प्रोपेलर शाफ्ट, द प्रोपेलर शाफ्ट ट्रांसमिट पावर फ्रॉम गियरबॉक्स टू डिफरेंशियल थ्रू यूनिवर्सल जॉइंट, ठीक है। प्रोपेलर शाफ्ट का क्या काम है, पावर को ट्रांसमिट करना, किस से लेके किसको देना है, गियरबॉक्स से लेके डिफरेंशियल को देना है थ्रू यूनिवर्सल जॉइंट, ठीक है। यूनिवर्सल का जॉइंट का भी बहुत बड़ा रोल है उसमें, ठीक है, बताऊंगा मैं आपको क्या रोल है, ठीक है। आगे है द डिफरेंशियल, डिफरेंशियल हेल्प द व्हीकल टू टेक टर्न बाय वेरिंग द स्पीड ऑफ द व्हीकल, द स्पीड ऑफ द व्हील, सॉरी, द डिफरेंशियल हेल्प द व्हीकल टू टेक टर्न बाय वेरिंग द स्पीड ऑफ व्हील्स, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इज टू रोटेट आउटर व्हील फास्टर देन इनर, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या है, जब आप गाड़ी मोड़ोगे बेटा, जब आप गाड़ी टर्न करते हो तो दोनों आपके जो व्हील्स होते हैं, ठीक है, जो व्हील्स होते हैं वो सेम स्पीड पे नहीं मूव कर सकते, ठीक है। जो आपके लाइव व्हील्स हैं, ठीक है बेटा, लाइव व्हील्स और डेड व्हील्स, लाइव एक्सल और डेड एक्सल, ये आपको पता होना चाहिए कि जो अलाइव एक्सल है मीन्स अलाइव एक्सल, दो एक्सल आपके अलाइव होते हैं। अगर 2x2 गाड़ी है तो अलाइव एक्सल्स, ठीक है। जैसे हमारा इंजन है, आपका इंडियन कार्स में इंजन आगे होता है, ठीक है, और मैक्सिमम फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियाँ होती हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव मीन्स दो अगले टायरों में ही पावर ट्रांसफ़र होगी इंजन की, जो रियर व्हील्स हैं वो फ्री घूमेंगे, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी 4x4 है, 4x4 मीन्स चारों टायरों में ड्राइव है, ठीक है, तब आप कह सकते हो कि चारों में ड्राइव है और चारों का स्पीड वेरिएशन ज़रूरी है, मतलब आगे भी डिफरेंशियल है और पीछे भी डिफरेंशियल है, ठीक है। डिफरेंशियल का काम क्या है, जब आप गाड़ी मोड़ोगे, ठीक है, आपको पता है कि जो बाहर वाला टायर है, ठीक है, गाड़ी का, ठीक है, उसको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, अंदर वाले को कम कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल का काम ही ये है कि मोड़ते वक्त जो बाहर वाला टायर है उसकी स्पीड बढ़ जाए और अंदर वाले की कम हो जाए, ताकि व्हीकल आपका स्किड ना करे, ठीक है बेटा। हम बिल्कुल डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि बेसिक्स ही पढ़ेंगे हम, डीपली हम बाद में जाएंगे, ठीक है, जब हम सभी पर्टिकुलर सिंगल सिंगल कंपोनेंट अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। पर अभी फिलहाल आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि होता क्या है, ठीक है बेटा। डिफरेंशियल का काम पता लग गया तुम्हें, और यूनिवर्सल जॉइंट, ठीक है, हाँ, यूनिवर्सल जॉइंट का काम क्या है, एक्चुअली यूनिवर्सल जॉइंट प्रोपेलर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए है, ठीक है। बिकॉज जब आपकी आपका व्हीकल चलता है, देखो प्रोपेलर शाफ्ट तो मूव कर ही रही है, रोटेट पर्टिकुलर कर ही रही है, स्पीड पे एक रोटेट कर रही है, बट उसकी जो अप डाउन मूवमेंट है उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, यूनिवर्सल जॉइंट लगाया जाता है।
यानी ताकि जो डिफरेंट एंगल्स हैं, अप डाउन एंगल्स हैं, ठीक है बेटा, उसको वो मैनेज कर पाए, इसलिए हम यूनिवर्सल जॉइंट लगाते हैं। इसको हम डीपली पढ़ेंगे जब हम इसको पर्टिकुलर सिंगल सिंगल कंपोनेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ अभी इसको इसका आपको काम पता होना चाहिए होता क्या है, ठीक है। तो बेटा ट्रांसमिशन सिस्टम में ये कंपोनेंट्स थे जो हमने पढ़े, ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं बेटा, एक्सल्स, ठीक है, ये आपके सामने जो इमेज है वो एक्सल की है, ठीक है। एक्सल फ्रंट भी होता है और रियर भी एक्सल, दोनों जगह एक्सल होते हैं, फ्रंट एक्सल भी होता है और रियर एक्सल भी होता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि 2x2 गाड़ी और 4x4 गाड़ी, ठीक है, जैसे आपकी आम गाड़ियाँ, आपकी कार्स होती हैं, जैसे स्विफ्ट होगी अपनी, ठीक है, वो 4x4 नहीं आती, आपकी सैलरी होगी कोई भी, मतलब फाइन छोटी गाड़ियाँ जिसको हम बोल सकते हैं, सैलरी हो, ये आपकी स्विफ्ट हो गई, i10 ग्रैंड हो गई, ठीक है, ये 2x2 गाड़ियाँ, ये 4x4 आती नहीं, 4x4 गाड़ियाँ थी बड़ी गाड़ी, ठीक है, जिसको हम SUV बोलते हैं, सेमी यूटिलिटी व्हीकल्स, ठीक है। जैसे आपको फॉर्च्यूनर होगी, ये 4x4 आती है, जैसे थार होगी महिंद्रा की, ये 4x4, 4x4 और 2x2 में फ़र्क क्या है बेटा? 2x2 मीन्स दो टायरों में ड्राइव, ठीक है बेटा, 4x4 मीन्स चारों टायरों में ड्राइव, ठीक है, 4x4 मीन्स डबल डिफरेंशियल, आगे भी डिफरेंशियल पीछे भी डिफरेंशियल, 2x2 मीन्स सिंगल डिफरेंशियल, ये आपको क्लियर पता होनी चाहिए बात, ठीक है बेटा। तो एक्सल का काम क्या है वो पढ़ते हैं हम, द लोड ऑफ द ऑटोमोबाइल इज पुट ऑन द एक्सल विद द हेल्प ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है। एक्चुअली जो लोड होता है व्हीकल का मेनली वो एक्सल पे ही आपका आता है, ठीक है बेटा, आपका जो व्हीकल का लोड है ना बेटा एक्सल के ऊपर ही आता है, वो फ्रेम से होके एक्सल पे ही आता है, व्हील्स पे ही आता है, एक्सल के थ्रू व्हील्स पे ही आता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सस्पेंशन सिस्टम इसके बीच में होता लगा, ठीक है। जैसे आपको पता है, हाँ, फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल, देयर आर फ्रंट एक्सल्स एंड रियर एक्सल्स, ठीक है। जनरली द रियर एक्सल्स विच कैरी द रियर रोड व्हील्स आर यूज टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम द डिफरेंशियल टू द रोड व्हील्स, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं जो रियर एक्सल होते हैं, ठीक है, जो रियर लोड लेते हैं, पिछला लोड, रियर लोड लेते हैं व्हील्स, वो ट्रांसमिट पावर करते हैं फ्रॉम डिफरेंशियल से लेके रोड व्हील्स, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो रियर एक्सल होते हैं, एक्सल, रियर एक्सल के अंदर डिफरेंशियल लगा होता है रियर में पीछे जनरली, ठीक है। जो लोड कैरिंग व्हीकल होते हैं वहाँ, सिंपल सी बात है, ये याद रखो, जो लोड कैरिंग व्हीकल होते हैं जिन्होंने लोड कैरी करना होता है ज़्यादा, वहाँ डिफरेंशियल उसका पीछे लगा होता है, रियर में लगा होता है जनरली, ठीक है बेटा, ये बात याद रखो, जो हैवी लोड लेते हैं, ठीक है। हमारी जो आम गाड़ियाँ होती हैं, जैसे मैंने बताया आपको, वो उनका डिफरेंशियल फ्रंट में लगा होता है, और मैक्सिमम जो ट्रक्स होते हैं, बसेस होते हैं, उनमें उसमें सभी का, ट्रक्स बसेस जितने भी हैं इंडिया में चलते हैं, ठीक है, वो उसमें डिफरेंशियल पीछे लगा होता है, ठीक है, बस ये ज़रूरी है आपको पता होना, ठीक है। अब आगे फंक्शन ऑफ एक्सल्स, ठीक है, मेन फंक्शन क्या है एक्सल का, इट वर्क्स एज एक्सिस फॉर व्हील्स, ठीक है, ये एज व्हील्स की एक्चुअली एक्सिस है, सेंटर एक्सिस इसको बोल सकते हैं, व्हील्स के लिए एक एक्सिस है। इट विदस्टैंड बॉडी वेट एंड ड्राइविंग टॉर्क, ठीक है, बॉडी का वेट विदस्टैंड करते हैं और ड्राइविंग, कई ड्राइविंग टॉर्क्स भी विदस्टैंड करते हैं। इट ट्रांसमिट पावर टू द रोड व्हील्स, ठीक है, ऑब्वियसली ये पावर ट्रांसमिट करते हैं रोड व्हील्स को, ठीक है। इट सपोर्ट्स डिफरेंशियल असेंबली, ठीक है, डिफरेंशियल को ऑब्वियसली ये सपोर्ट करते हैं, डिफरेंशियल असेंबली को, पूरी डिफरेंशियल असेंबली को सपोर्ट करते हैं एक्सल्स, ठीक है बेटा। तो ये आपको एक्सेस का पता होना चाहिए। इसके आगे पढ़ते हैं हम व्हील्स एंड टायर्स, ठीक है, व्हील्स एंड टायर्स, ठीक है। आपको पता है व्हील्स आर माउंटेड ऑन द एक्सेस, ठीक है, जैसे मैंने बताया पीछे हमने अभी एक्सल पढ़ा, अभी पढ़ा, ठीक है, उसके ऊपर व्हील माउंट होते हैं, ठीक है, जो सामने आपको व्हील दिख रहा है ये एक्सल के ऊपर माउंट होते हैं। दे आर मेड ऑफ प्रेस्ड स्टील, ठीक है, प्रेस्ड स्टील से बनते हैं, और भी वायर स्पोक से भी बनते हैं और कास्ट एलॉय से भी बनते हैं, ठीक है। टायर्स आर माउंटेड ऑन द व्हील्स, जैसे मैंने बताया, अब जो टायर हैं वो व्हील के ऊपर माउंट होते हैं, सामने देखो, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ये व्हील है, सेंटर में व्हील है, व्हील के ऊपर टायर है, ये आपको पता होना चाहिए, व्हील और टायर में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जो सेंटर पार्ट है जिसको हम अलॉय बोल रहे हैं बेटा, उसको हम व्हील बोलते हैं, व्हील, ठीक है। इसके ऊपर जो ट्रेड दिख रहा है आपको, वो उसको हम टायर बोलते हैं,
ठीक है, और टायर का फंक्शन क्या है, टायर्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द रोड एंड ट्रांसमिट ड्राइविंग एफर्ट ऑफ द व्हील टू द रोड, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है, टायर कॉन्टैक्ट होता है किसके कॉन्टैक्ट में होता है, रोड के कॉन्टैक्ट में होता है, ठीक है, और ये ड्राइविंग एफर्ट होता है, ड्राइविंग एफर्ट, ठीक है बेटा, ट्रांसमिट करता है, ड्राइविंग एफर्ट ट्रांसमिट करता है किसको, व्हील को, रोड के ऊपर, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ लेते हैं फंक्शन ऑफ द व्हील एंड टायर असेंबली, ठीक है, ये पूरी व्हील एंड टायर असेंबली है, ठीक है, इसको हम डीपली पढ़ेंगे जब हम सभी सिंगल सिंगल कंपोनेंट्स अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल हम बेसिक्स और आपको डेफिनेशंस बता रहे हैं, ठीक है बेटा। बेसिक्स मीन्स आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा दिखता है और ये ऐसा है, इसका काम ये होता है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ व्हील एंड टायर क्या है, इट टेक्स व्हीकल लोड, ठीक है, ये भी व्हीकल का लोड लेता है, ऑब्वियसली बात है व्हीकल का पूरा लोड ट्रांसफर होकर टायर्स पे ही आता है। आगे इट मेक्स द व्हीकल टू रोल ओवर द रोड, इट मेक्स द व्हीकल टू रोल ओवर द रोड, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली व्हीकल को मूव कराता है ऑन द रोड, ठीक है, रोड के ऊपर मूव कराता है, इसी का फंक्शन होता है वो, कि रोल करके, खुद को रोल करके मूव करवाए व्हीकल को। इट प्रोवाइड्स कशनिंग टू द व्हीकल अगेंस्ट रोड शॉक्स, ठीक है, कुछ हद तक ये रोड शॉक, जो रोड के शॉक्स होते हैं उसको भी अब्सॉर्ब करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन स्टीयरिंग द व्हीकल, ठीक है, जब स्टीयरिंग करते हो आप, स्टीयर करते हो मतलब गाड़ी को लेफ्ट राइट मोड़ते हो, तभी ये हेल्प करता है, क्यों, बिकॉज ये रबड़ का बना होता है, फाइन बेटा, रबड़ की क्या प्रॉपर्टीज हैं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए हम, ठीक है, इसको रबड़ के टायर ही बनाते हैं, इसलिए हम रबड़ के टायर बनाते हैं, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि आपको कशनिंग इफेक्ट देती है, ठीक है बेटा, व्हीकल को कशनिंग इफेक्ट देती है, और ऑब्वियसली बात है जब आप रोटेट करते हो स्टेयरिंग को तो ईजिली मूव कर जाते हैं, ठीक है, क्लियर आपको व्हील एंड टायर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम सस्पेंशन सिस्टम बेटा, ठीक है, ये आपके सामने सस्पेंशन सिस्टम है, इसमें डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि डीपली हम इसको बाद में पढ़ेंगे, पर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। और सस्पेंशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है, स्प्रिंग्स कनेक्टिंग लिंकेजेस एंड शॉक एब्जॉर्बर्स, ठीक है, तो सस्पेंशन सिस्टम में क्या क्या होता है, स्प्रिंग्स होते हैं, कनेक्टिंग लिंकेजेस होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, ठीक है। आगे स्प्रिंग्स भी कई तरह के होते हैं बेटा, तो स्प्रिंग्स में भी ऑफ ली स्प्रिंग, एयर सस्पेंशन टाइप, क्वायल टाइप, टॉर्शन बार टाइप, ठीक है। और जो सस्पेंशन सिस्टम में कहाँ माउंट होता है, ऑन द एक्सल के ऊपर, ठीक है, ये सारा कुछ जो सस्पेंशन सिस्टम है ये एक्सल के ऊपर ही माउंट होगा बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, द फ्रेम ऑफ बॉडी इज माउंटेड ऑन द सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है बेटा, एक्सल के ऊपर सस्पेंशन सिस्टम और सस्पेंशन के ऊपर फ्रेम माउंट होगा, ठीक है बेटा। अब फंक्शन क्या है सस्पेंशन का, फंक्शन ऑफ सस्पेंशन सिस्टम इज टू सेफ गार्ड द व्हीकल एंड इट्स ऑक्यूपेंट्स अगेंस्ट रोड शॉक्स एंड कीप द व्हीकल स्टेबल, ठीक है। फंक्शन क्या है सस्पेंशन का, व्हीकल को सेफ गार्ड करता है, विद ऑक्यूपेंट्स को भी सेफ गार्ड करता है, किस चीज़ से, रोड शॉक से, ठीक है, और व्हीकल को स्टेबल भी ही रखता है, ठीक है। जब गाड़ी चलती है तो लेफ्ट राइट अप डाउन मूवमेंट होती है, उसको भी स्टेबल करता है, और फ्रंट में जो अप डाउन मूवमेंट होती है उसको भी स्टेबल करता है, ठीक है। तो मेन पार्ट्स कौन से इसके, स्प्रिंग्स कनेक्टिंग लिंकेजेस, शॉक एब्जॉर्बर्स, ठीक है, जो कि बनाया हुआ है आगे, ये रियर व्हील ड्राइव का सस्पेंशन सिस्टम दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसको हम डीपली बाद में पढ़ेंगे, पर फिर भी आप बेसिकली आप इसको नज़र मार लो कि कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली मेन कंपोनेंट कौन से हैं इसके, जो हर जगह आएंगे, ठीक है, जो सामने आपको दिख रहा है सस्पेंशन सिस्टम, इसमें कॉयल स्प्रिंग, ठीक है, आप कॉयल स्प्रिंग दिख रहा है, कॉयल स्प्रिंग के अंदर क्या है, शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है, ये मेन कंपोनेंट्स हैं, ओके। तो ये सस्पेंशन सिस्टम भी हो गया, आगे बढ़ते हैं हम ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, ये भी मेजर कंपोनेंट है। अब ब्रेकिंग सिस्टम के मेन पार्ट्स कौन से होते हैं बेटा, ब्रेक ड्रम, ब्रेक शू, लिंकेजेस, ब्रेक पैडल, ठीक है। वैसे तो ये डायग्राम है जो आपका, ये है आपका हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग का, सॉरी हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का, ठीक है बेटा। अब ब्रेकिंग सिस्टम भी कई तरह के होते हैं बेटा, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, एयर ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, डिस्क टाइप ब्रेकिंग सिस्टम, मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, ये तो चलो हम पढ़ेंगे जब बाद में अच्छे से, पर फिलहाल आपको पता होना चाहिए कौन कौन से तरह के होते हैं ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है बेटा। तो मेन काम क्या है, फंक्शन ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, टू स्टॉप द व्हीकल, ठीक है, व्हीकल को रोकना,
टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ व्हीकल, और व्हीकल की स्पीड को कम करना। ठीक है बेटा, तो मेन काम होता क्या है, मतलब वो करते क्या हो, पहले जब आप ब्रेक पैडल प्रेस करते हो जो ड्राइवर के लेग्स टायर में होता है, ठीक है, ब्रेक पैडल, ठीक है, ड्राइवर की साइड होता है, जब वो प्रेस करता है तो क्या होता है, थ्रू लिंकेजेस के ब्रेक शू एक्सपैंड करते हैं और आपका ब्रेक लग जाता है। ठीक है बेटा, एक जो बेसिक अपना मैकेनिकल लिंकेज है बेटा, है ना, जो बेसिक आपका मैकेनिकल लिंकेज है, ठीक है, जो चारों टायरों में ब्रेक शूज लगे होते हैं बेटा, ठीक है, जब प्रेस करते हो पैडल तो लिंकेज के थ्रू वो ब्रेक शू एक्सपैंड करते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, और जो क्या होता है ब्रेक ड्रम होता है आपका, है ना, वो जो ब्रेक ड्रम होता है आपका, मतलब चार ब्रेक ड्रम होते हैं, चार टायर हैं तो चार, मैकेनिकल ब्रेक की बात कर रहे हैं बेटा, चारों टायर में चार ब्रेक ड्रम हो गए, ठीक है बेटा, और चारों ही चारों टायरों में ब्रेक शूज हो गए, ठीक है, जब प्रेस करते हो पैडल तो लीकेज के थ्रू वो ब्रेक शू एक्सपैंड करते हैं और ब्रेक ड्रम को एक्सपैंड करते हैं बाहर की तरफ, जिससे ब्रेक ड्रम के ऊपर वो चिपकते हैं, ठीक है, दबाते हैं और उसको स्लो कर देते हैं, ठीक है, और ब्रेक शूज़ के ऊपर क्या होता है बेटा, मटेरियल होता है एक, जिसको बोलते हैं एस्बेस्टस, ठीक है, उसका काम है मेन रोकना, क्योंकि जब वो एक्सपैंड करते हैं, वो जो ड्रम की तरफ एक्सपैंड करते हैं, तो एस्बेस्टस मटेरियल का जो ब्रेक पैड होता है, ठीक है, वो टच करता है ब्रेक ड्रम को और आपका व्हीकल स्टॉप हो जाता है, ठीक है, और ये धीरे धीरे जब आपका ये एस्बेस्टस मटेरियल होता है बेटा, ख़त्म होना शुरू होता है, ठीक है, तो हम ताकि ड्रम ख़राब ना हो आपका, ठीक है, ड्रम ख़राब ना हो इसलिए एस्बेस्टस लगाया जाता है, ठीक है, तो हम बाद में जब ये कम घिस जाता है तो हम वो एस्बेस्टस का ब्रेक पैड ही चेंज कर देते हैं, ठीक है, फिलहाल इतना बताना चाहिए आपको। ये हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल ब्रेक की, जो मैं बताया आपको, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक की बात नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ मैकेनिकल ब्रेक की बात कर रहे हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक में कुछ और चीज़ है, ठीक है, मास्टर सिलेंडर आपको दिख रहा है सामने, ये हाइड्रोलिक ब्रेक का पार्ट है, ठीक है, मास्टर सिलेंडर आ गया, फिर चारों टायर में वी सिलेंडर, वो अलग चीज़ है, वो हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, पर अभी आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है, तो आपका हो गया ब्रेकिंग सिस्टम, फिर आ गया आपका स्टीयरिंग सिस्टम, ठीक है, मेन स्टीयरिंग आपका काम क्या है, फंक्शन ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम क्या है, इज टू स्टीयर द व्हीकल, ठीक है, टू द डिजायर्ड डायरेक्शन, ओके बेटा, सो इट कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल, इट कंट्रोल द डायरेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ द व्हीकल, आपके व्हीकल की डायरेक्शन और मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है, और इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस लिंकेजेस, आपको दिख रहे हैं सामने, स्टीयरिंग गियरबॉक्स, स्टीयरिंग आर्म, ड्रैग लिंक, पिटमैन आर्म, स्टीयरिंग नकल आर्म, लेफ्ट आर्म, टाई लिंक, स्टीयरिंग शाफ्ट, ठीक है, तो स्टीयरिंग भी मतलब एक वास्ट चीज़ है, मतलब बहुत इसमें भी स्टीयरिंग टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम आ जाते हैं, मतलब स्टीयरिंग टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग गियर्स आ जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे बाद में जब हम पर्टिकुलर कंपोनेंट करेंगे, ठीक है, पर आपको फिलहाल बेसिक पता होना चाहिए कि करता क्या है, काम क्या है, और ठीक है, और इसके बेसिक्स पार्ट क्या है, ठीक है, आगे हमारा लास्ट व्हीकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है बेटा, व्हीकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इट इंक्लूड्स वेरियस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ठीक है, कौन सी डिवाइसेस, मेन बैटरी, डायनमो, इग्निशन सिस्टम, वेरियस लाइट्स, हॉर्न, फैंस, वाइपर्स, पावर मोटर्स, ठीक है बेटा, अब हम देखो सामने दिख रहे हैं आपको बैटरी, मेन फ्यूज, स्टार्टर, अल्टरनेटर, अल्टरनेटर बेल्ट, चार्जिंग सिस्टम, लाइट, अब एक और बात, मैं डायनमो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डायनमो एक्चुअली बहुत पहले यूज़ करते थे, ठीक है, अब नहीं यूज़ करते, डायनमो की जगह अल्टरनेटर यूज़ करते हैं, आपको सामने दिख भी रहा है, ठीक है, अब हम अल्टरनेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो मेन इसमें फंक्शन अल्टरनेटर का काम है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके मैकेनिकल पावर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इंजन की मैकेनिकल पावर से बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, कौन करता है, अल्टरनेटर, या फिर उसे डायनमो भी बोलते हो, ठीक है, डायनमो पहले था पर अब वो ऑब्सोलीट हो गया, ख़त्म हो गया, अब अल्टरनेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, आपको पता नहीं पता होना चाहिए, बाकी आगे बैटरी है इसमें लगा हुआ, ठीक है, तो मेन बैटरी को चार्ज करता है, ठीक है, क्यों चार्ज करता है, और हमें बैटरी का क्या यूज़ है, क्योंकि बाकी कंपोनेंट हमें बैटरी से चलाने होते हैं, ठीक है बेटा,
लाइट हॉर्न फैंस वाइपर सभी। तो फंक्शन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, फंक्शन क्या है ठीक है, अब जो सभी पार्ट्स है इसके मेन, तो उसका फंक्शन बता रहे हैं हम। बैटरी, बैटरी का काम क्या है, बैटरी स्टोर्स एनर्जी एंड डिलीवर्स इट व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा, बैटरी का काम है एनर्जी स्टोर करना और उसको डिलीवर करना जब ज़रूरत पड़, ठीक है। आपने हॉर्न बजाना है, हॉर्न बजाना है, वाइपर ऑन करने हैं बारिश के टाइम, ठीक है, लाइट्स जलानी है, ठीक है, सेल्फ मारनी है, तब बैटरी का काम है। ठीक है बेटा, आगे अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या करता है, अल्टरनेटर प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मैकेनिकल पावर ऑफ द इंजन। ठीक है बेटा, इंजन की मैकेनिकल पावर से ही अल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जिससे हम बैटरी को चार्ज करते हैं। ठीक है, आगे लाइट्स। लाइट्स आर यूज टू इम्प्रूव विजिबिलिटी एंड गिव सम इंडिकेशंस। ठीक है, लाइट्स का काम क्या है, विजिबिलिटी को इम्प्रूव करना रात के टाइम और इंडिकेटर इंडिकेशंस देना। वाइपर्स, वाइपर आर यूज टू क्लियर द फ्रंट एंड रियर विंडोज पेंस। ठीक है, वाइपर का काम है फ्रंट और रियर विंडोज को साफ करना। ठीक है, आगे हॉर्न। हॉर्न गिव्स अलार्म टू द अदर पीपल। हॉर्न का काम क्या है, अलार्म करना किसी को कि हाँ भी कुछ कोई व्हीकल आ रहा है आप साइड में हो जाओ। ठीक है बेटा, तो ये है आपका वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ओके बेटा, तो दीज आर ऑल वर्किंग ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ चेसी। जो चेसी के ऊपर कंपोनेंट माउंट होते हैं उन सभी की वर्किंग आज कंप्लीट हो गई है। ठीक है बेटा, तो इसको आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और समझो। ओके बेटा।